तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग गैस टॉर्च यूज़ किए होगे कभी, तो आप लोग को इस तरह की कैन के बारे में पता होगा। फ्रेंड्स, ये कैन गैस टॉर्च में लगती है, तभी जो हमारा गैस टॉर्च चलता है। और बाय द वे, अगर ये कैन आप लोग की इसके अंदर की गैस ख़त्म हो जाती है, तो आप लोग क्या करते हो, मार्केट से नया कैन खरीदते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है। लगभग अगर आप इसे ऑफलाइन ख़रीदते हो तो ये लगभग 100 से 150 रुपये का मिलती है, और ऑनलाइन तो ये और भी ज़्यादा महंगा मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे घर पे ही फ्री में किस किस तरीके से, आप जो घर का जो सिलेंडर होता है उससे कैसे आप इसे रिफ़िल कर सकते हो बड़े ही आसानी तरीके से, और बड़े ही नो रिस्क के साथ, मतलब कि इसमें किसी भी तरीके का रिस्क नहीं होगा। जो तरीका अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, इस तरीके से आप लोग को कोई किसी भी तरीके का रिस्क नहीं होगा, आप इसे बड़े ही आसानी से घर पे ही रिफ़िल कर सकते हो। तो चले फ्रेंड्स, फटाक से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हम इसे किस तरीके से घर पर ही, घर के ही सिलेंडर से किस तरीके से रिफ़िल कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने इस तरीके की एक खाली कैन ले ली है। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स, आपको एक खाली कैन की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे फ्रेंड नहीं बना सकते। तो आपके पास एक तो खाली कैन होना ही चाहिए ब्यूटेन गैस की। और फ्रेंड्स, आप इसे जो डीओ वाली जो बोतल होती है उसकी मदद से ही बना सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स उसकी गारंटी नहीं है कि वो चलेगी कि नहीं चलेगी। वो आगे चल के ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि उसके आगे का जो नोज़ल होता है वो प्लास्टिक का होता है, और उसके अंदर की जो लिक्विड होती है वो डीओ के हिसाब से उसका जो है सारा सिस्टम रहता है। तो अगर आप इसमें लगा दोगे तो हो सकता है ये गल जाए, क्योंकि उसकी स्पिरिट और इसकी स्पिरिट में अंतर होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो ब्यूटेन गैस वाली जो बोतल होती है उसी की कैन को लेंगे। तो यहाँ पे मैंने उसके कैन को ले लिया है। अब फ्रेंड्स, इसके आगे का नोज़ल इस तरीके से हमको निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसे निकाल लिया है। अब फ्रेंड्स, इसको घिस करके हम अच्छे से गोल कर देंगे, इसको अच्छे से शेप दे देंगे, ताकि हमको आगे का काम करने में थोड़ा आसानी रहे। तो अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट था उसे हमने घिस करके बिल्कुल अच्छे से ख़त्म कर दिया है, और ये भी कुछ इस तरीके से देखने में लगेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके की जो रेगुलेटर होती है, जो किचन में जो गैस सिलेंडर हम यूज़ करते हैं उसमें ये रेगुलेटर लगता है। तो फ्रेंड्स, आमतौर पे जो शादी विवाह पड़ता है वहाँ पर किसी बड़े ओकेज़न में इसका ज़रूरत पड़ता है, जब ज़्यादा खाना बनाने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर उसका ज़रूरत पड़ता है। और फ्रेंड्स, ये आपको जहाँ पे गैस सिलेंडर रिपेयर का काम होता है, जहाँ पे कुकर वगैरह रिपेयर होते हैं, वहाँ पर ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वहाँ से मैंने इसे ले लिया है। अब फ्रेंड्स, इसके आगे एक नोज़ल देख रहे हो, तो उसके अंदर ये जा नहीं रहा था, जबकि इसके अंदर हमें इसे अच्छे से टाइटली फिट कर देना है। तो इसके लिए यहाँ पे जो जो लेबर पाइप होती है उसको हमने ले लिया है, और इस लेबर पाइप को इसके अंदर हम डाल देंगे। तो अभी फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि ये थोड़ा टाइट हो जाएगा और ये उस नोज़ल में आसानी से चला जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से ऊपर से टाइट करने के लिए इसे थोड़ा धागे से बांध देंगे, ताकि ये प्रेशर की वजह से निकले नहीं, थोड़ा हमारा जो सिस्टम है वो और भी ज़्यादा मजबूत। हालांकि आप उसे अगर धागे से नहीं भी बांधोगे तो भी ये रिस्की नहीं है, लेकिन इसे और ज़्यादा मजबूती के लिए आप चाहो तो धागे से बांध सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसे धागे से बांध दिया, जिससे कि और ज़्यादा ये मजबूत हो जाएगा, अभी ये निकलेगा नहीं। अब फ्रेंड्स, इसको जो पीछे से हमारा एक्स्ट्रा जो लेबर पाइप है उसे हम काट करके यहाँ से हटा देंगे। तो चलो, भी यहाँ पर मैं इसे काट करके हटा दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स, इसको हटा देने के बाद अभी ये जो हमारी गैस सिलेंडर वाली जो रेगुलेटर है, इसके आगे वाली नोज़ल में अभी ये चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने लेबर पाइप इसलिए लगाया ताकि ये थोड़ा इस जगह पे टाइट रहे और कोई भी यहाँ पे गैस लीकेज ना हो, इसीलिए यहाँ पे हमने इसे बिल्कुल अच्छे से टाइट करने के लिए इस पाइप को लगा दिया, जिससे कि बिल्कुल यहाँ पे टाइट रहेगी और यहाँ पे कोई भी लीकेज नहीं रहेगा। अब फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो चुका है। अब फ्रेंड्स, इसको और ज़्यादा सेफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चारों तरफ से हम एमसील लगा देंगे, जिससे कि और भी ज़्यादा ये सुरक्षित हो जाएगा, और कहीं से अगर इसमें गैस लीकेज भी होगी तो वो भी बंद हो जाएगी, और साथ ही साथ ये उस चीज़ को अच्छे से पकड़ा भी रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं। तो एमसील लगाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा पाउडर हाथ में लगा ले रहा हूँ, जिससे कि एमसील जो है हाथ में हमारे चिपकेगी नहीं और एमसील आसानी से इसके ऊपर लग जाएगा। तो पाउडर को लगा देने के बाद अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से आप एमसील लगाओ तो आसानी से लग जाएगा। और लगभग फ्रेंड्स, इसको रात भर हमने छोड़ दिया था, और सुबह के टाइम में अभी ये इस तरह सूख के बिल्कुल कड़ा हो चुका है, बिल्कुल ठोस हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये आगे का जो नोज़ल है वो इस तरीके से दबना चाहिए। अभी फ्रेंड्स, ये हमारा बन के लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स, हमको इस तरीके की पाइप ले लेनी है, और ये पाइप हमने कहाँ से निकाली वो मैं आप लोग बता दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस तरीके की जो डीओ होती है उसके अंदर आपको इस तरीके की पाइप मिल जाएगी। तो ये फ्रेंड्स, कोई रिफिल नहीं है। तो इस पाइप को मैंने इस तरीके की डीओ की बोतल से निकाला है।
अगर आपको कोई रिफ़िल इस तरह की मिल सकती है तो आप उसे भी ले सकते हो, जो जेल पेन की रिफ़िल होती है वो भी थोड़ी मोटे साइज़ के होते हैं, तो हो सकता है वो काम करे। फिलहाल से हम यहाँ पे मैंने जो डीओ के केन के अंदर जो पाइप लगी होती है उसको मैंने यूज़ मिल गया है। फ्रेंड्स इसको हम इस तरीके से आधा अंडा डाल देंगे, ध्यान रखना है पूरा हमें अंदर नहीं डालना है वरना ये दबेगी नहीं। तो इसको आधा अंदर डाल देने के बाद हम इसे धागे से अच्छे से कस कर बांध देंगे ताकि ये आसानी से ना निकले और यहाँ पे ये अच्छी तरीके से अपनी जगह पे जाम हो जाए, जिससे कि ये आगे खींचने पर भी ना निकले। तो फ्रेंड्स इसको जाम कर देने के बाद अभी हम क्या करेंगे, ऊपर से फेविक्विक लगा देंगे ताकि जो इसका धागा है वो चिपक जाए अच्छे से और धागा कभी भी खुले नहीं, कभी भी ख़राब ना हो, इसीलिए धागे के ऊपर हम यहाँ फेविक्विक गिरा देंगे जिससे कि ये जो धागा हमारा है वो अच्छे से इस चीज़ को पकड़ ले और ठोस हो जाए अपनी जगह पर। अरे फ्रेंड्स ये चीज़ हमारा बन के कम्प्लीट हो चुका है, तो अभी आप लोग देख सकते हो आगे मैंने एक और केन को ले लिया है और इस केन को जब भी हम इसके आगे इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद दबा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जो जो रेगुलेटर में हमने जो नोज़ल लगाया वो और जो केन में जो नोज़ल लगी है वो दोनों ही दब रही हैं। तो इस तरीके से दोनों दबनी चाहिए, कोई भी ऐसा ना हो कि एक तरफ का दबे और दूसरी तरफ का ना दबे, जैसा कि अभी मैं उंगली की मदद से भी आप लोग दबा कर ही दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से दबनी चाहिए। इसी तरीके से ठीक कैन का भी हमारा सिस्टम दबना चाहिए। अब फ्रेंड्स ये बन के कम्प्लीट हो चुका है, अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने जो किचन वाली जो गैस होती है उसकी सिलेंडर यहाँ पे ले लिया है और ये सिलेंडर बिल्कुल भरा हुआ है। अभी फ्रेंड्स इसको दोनों तरफ इस तरीके का एक जो है कि चूड़ी बना हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे खोल लेंगे और उसके बाद सिलेंडर के जो ऊपर का नोज़ल लगा हुआ है उसमें इसको पहना करके हम उस चूड़ी को कस देंगे तो वो अभी सिलेंडर के ऊपर फिक्स हो जाएगा, वो लग जाएगा। तो चलो दोस्तों अभी यहाँ पे मैं इसे लगा दे रहा हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी हमने इसे लगा दिया है, अब दोस्तों हमको इसकी गैस को ऑन कर देना है। तो इसको गैस को ऑन कर देने के लिए हम ऊपर से इसके ये जो ऊपर वाली जो चूड़ी दी है इसको हम पूरा घुमा देंगे, जब तक ये घूम रही है तब तक हम इसे घुमाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे गैस तो ऑन हो चुकी है और इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे वाली नोज़ल को दबाएंगे तो कुछ इस तरीके से सक सक आवाज़ होना चाहिए, यहाँ से गैस निकलनी चाहिए। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हो जब भी मैं उसे दबा रहा था तभी गैस निकल रही थी और ऐसे गैस नहीं निकल रही थी। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स हमको सिलेंडर को उल्टा कर देना है जिससे कि जो इसकी लिक्विड है वो नीचे के साइड में आ जाए, तभी हम इससे कैन को भर पाएंगे, तभी इसकी लिक्विड फॉर्म में गैस बाहर निकलेगी, वरना अगर आप इसे सीधा करके अगर इस्तेमाल करोगे तो गैस ही हमारा बाहर निकलेगा, लिक्विड नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हमको सिलेंडर को उल्टा कर देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक खाली गैस टॉर्च की कैन ले ली है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और अभी मैं इसकी वेट को भी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि ये बिल्कुल खाली ये वर्क नहीं कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप तराजू पर देख सकते हो 95 ग्राम्स इसका जो है कि वेट दिखा रहा है। अरे फ्रेंड्स मैं इसमें आप लोग को एलपीजी गैस भर के दिखाऊंगा, ब्यूटेन गैस भर के दिखाऊंगा कि किस तरीके से भरना है हमें। तो अभी ये जो हमारा सिस्टम है ये हमारा ऑन है, जो हमने सिलेंडर में रेगुलेटर लगाया वो हमारा ऑन है, इसे हमें बार बार ऑन ऑफ नहीं करना, बस हम इसे एक बार ऑन करके छोड़ देंगे और उसके बाद जब भी हमें इसमें ब्यूटेन गैस भरना होगा तो बस आगे इन दोनों की नोज़ल को एक दूसरे कनेक्ट करके हम इसे थोड़ा सा अंदर की ओर पुश करेंगे, तो ये क्या होगा कि अपने आप जो है इसकी जो गैस है वो अंदर आने लगेगी लिक्विड फॉर्म में। अभी दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप नहीं करूँगा वरना आप लोग कहोगे कि ये फेक वीडियो है। तो अभी फ्रेंड्स कुछ देरी बाद हो सकता है कि लिक्विड अंदर ना भराए, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर की जो गैस है वो जो है कि अंदर प्रेशर में रहेगी तो गैस नहीं भराएगी। तो अभी आपको थोड़े थोड़े समय पर इस तरीके से दबा करके अंदर की गैस को रिलीज़ कर देना है जिससे कि अंदर का प्रेशर कम हो जाए और उसके बाद बार बार आपको इस तरीके से सिलेंडर से इसमें लिक्विड गैस को भरना है। तो आपको बार बार इसके गैस को रिलीज़ करना है, फिर भरना है, फिर गैस को रिलीज़ करना है, फिर भरना है, तो इस तरीके से तब जाकर के ये बोतल आपकी भर पाएगी। अरे फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं किया, थोड़ा सा भी कटिंग नहीं किया है, मैंने सिर्फ वीडियो को फॉरवर्ड किया है ताकि आप लोग ये ना कहो कि मैं धीरे से बोतल को बदल दिया हूँ, तो ऐसा बात नहीं है फ्रेंड्स। आप फिर से शुरू से लगा कर देखोगे तो आप देखो मैंने कहीं भी वीडियो कट नहीं किया है, कहीं भी स्किप नहीं किया है, सिर्फ मैंने वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है। अरे फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहले ये 95 ग्राम था, अब ये 280 ग्राम हो चुका है और इसमें थोड़ी बहुत लिक्विड भरा चुकी है। अभी दोस्तों यहाँ पे मैं गैस टॉर्च भी आप लोग को इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ जो कि पहले नहीं चल रही थी, अब ये चल रही है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है, कैन लगभग लगभग भरा चुका है। और अभी फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार फिर से मैं आप लोग को इसका वेट दिखा दे रहा हूँ, 282 ग्राम है इसका वेट। और अभी दोस्तों मैं थोड़ा सा वीडियो को और आप लोग को अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, एक छोटे से वीडियो के पार्ट में मैं आप लोग दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा भी मैं वीडियो को स्किप नहीं करूँगा
और कट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 282 ग्राम था और मैंने इसे सिलेंडर में लगाया इस, और इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड गैस भर दी और ये 294 ग्राम हो गया, बिल्कुल ज़रा सा भी मैंने इसे इस्तेमाल में लिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको क्या करना है, बार बार गैस को रिलीज़ करना है और फिर नोज़ल में रख करके दबाना है तो उसके अंदर गैस भराएगी। अब फ्रेंड्स इस रेगुलेटर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो गैस थोड़ी बहुत भरी हुई है कंप्रेस उसको हम रिलीज़ कर देंगे। तो इसको रिलीज़ करने क्या करना है, हम ऊपर वाला ये चूड़ी इसको इस तरीके से हम खोल देंगे। तो इसको खोल देने के बाद अब फ्रेंड्स इस नोज़ल को हम इस तरीके से दबा देंगे तो इसके अंदर थोड़ी बहुत जो गैस भरी हुई है वो रिलीज़ हो जाएगी। अरे फ्रेंड्स इसके अंदर की गैस रिलीज़ हो चुकी है, अभी ये जो हमारा रेगुलेटर है वो अंदर से बिल्कुल गैस फ्री हो गया, मतलब खाली हो गया है। अब आप दोनों तरफ की चूड़ी जो है इसको खोल करके इस रेगुलेटर को निकाल सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमें इसे निकालना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा ये आसान सा जुगाड़ जो कि बिल्कुल सस्ते में बन जाता है, आपको इसमें ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती और ये बहुत ज़्यादा सेफ भी है। मैंने YouTube पे बहुत से ऐसे वीडियो देखे जो कि सेफ़ नहीं थे, बहुत ज़्यादा खतरनाक वीडियो थे, तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये बिल्कुल सेफ़ है और इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी, वीडियो और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।